जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, और दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रदों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे वतन उनके लहू में है, रदों में है जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे वतन उनके लहू में है। चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं दुआ बन कर जो साए। सबसे पहले तो मैं खिलाज तहसीन पेश करता हूँ टीम सरेआम को, जो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया, एक स्टेप लिया और आज ये कश्मीर के मिल्शन करा रहे हैं। टीम सरेआम और इकरार मेरे लिए दादिया। और उसके बाद आप लोग जो इस गर्मी में अपने घरों से दूर आए हैं अपने मुल्क की अपने बदन की मोहब्बत पर, इस पर आप लोगों के लिए तालियां और मैं खिलाड़ी का टीम देख सकता हूँ। कुछ चंद छोटी छोटी बातें करूँगा, कुछ लंबी चौड़ी पूछ नहीं करूँगा। सबसे पहले तो देखिए एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में पता ये लगा कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% पौधे हैं, जबकि एक खुशहाल मुल्क के कम अज कम 25% पौधों का होना जरूरी है। अब 10% से कम आ रहे हैं। एक पैगाम ये है कि कोशिश करें कि 14 अगस्त का मौका हमारे लिए ग्रीन चांस है, जिसे हमारा परचम ग्रीन है, जिसे हमारे लिए एक मौका है कि हम उठे और उससे ज्यादा नहीं सिर्फ दो पौधे लगाते हैं तो हमारा मुल्क ऐसे पता भी नहीं लगेगा और कैसे स्टेबल हो जाएगा। तो एक तो ये पैगाम है, अपने आप को कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कर सकें सिर्फ चंद पौधे लगाने के बाद। उसके बाद दूसरा पैगाम, अभी आपने देखा होगा पहले भी कुछ माह पहले भी और आजकल 3 से 4 हफ्तों के दौरान कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादती हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी जो है ना, हम लोग मोहब्बत करते हैं जितना अपने आप से, जितना अपने मुल्क से, उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं कश्मीर से। और उसी मोहब्बत के लिए आज इकरार भाई ने इतना नाम कश्मीर कन्वेंशन कर दिया। तो आप लोग इस कश्मीर कन्वेंशन में आए, तशरीफ लाए, तो मैं ज्यादा नहीं सिर्फ ये बोलूंगा कि ज्यादा नहीं तो अपने अपने फोन उठाए और सिर्फ एक एक मैसेज, एक एक स्टेटस, एक एक ट्वीट कर दे कि पाकिस्तान में कश्मीर को पाकिस्तान बनाया जाए, कश्मीर को उसके हकूक दिए जाए। जाति इधर हो, जाति पाकिस्तान में हो या जाति कश्मीर में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, जाति जाति है जो भी बोल रही है, तो उसके लिए आवाज उठाए, उसके लिए आगे बढ़े। हमारे पास सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है, उसको इस्तेमाल करें और कश्मीर के हक में बात करें, लोगों को बताएं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। आगे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप अपने आप को और इस मुल्क को स्टेबल कर सकें, क्योंकि ये मुल्क बड़ी मेहनतों के बाद बना है और अभी तक बेहतरीन चल रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में दुनिया के टॉप पर आने लगाएगा, बता के दिखाएगा कि पाकिस्तान में क्या जज्बा है, क्या जुनून है। एक नारा लगाएंगे, पूरे जनता के साथ लगाएंगे, हाथों को बुलंद करके लगाएंगे, पाकिस्तान यकीन जख्मों की खुशबू है दिल खिलते वफा से जो, ये उन जज्बों की खुशबू है, ये हारेंगे अजल से भी ये होगी।
की भूल दुश्मन की गुजर जाए जहाँ से ये उड़े फिर धूल दुश्मन की है माओ की दुआओं का सर जो आरज़ू में है रगों में है जनू में है वतन का इश्क खून में है जो बैठे हैं वतन तेरे वतन उनके लहू में है रगों में है जनू में है वतन का इश्क खून में है जो बैठे हैं वतन तेरे वतन उनके लहू